बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू मुहियुद्दीन अब्दुल कादर लर्निंग जोन। आज हम केमिस्ट्री एमडीकैट यूएचएस लेक्चर नंबर 19 यूनिट 5 के साथ आपके साथ मौजूद हैं एंड टॉपिक इज केमिकल एनर्जेटिक्स एंड इट्स बेसिक कॉन्सेप्ट्स। स्टूडेंट्स व्हाट इज केमिकल एनर्जेटिक्स? इट इज स्टडी ऑफ हीट चेंजेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। स्टडी ऑफ हीट चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन। स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन में दो तरह की हीट चेंजेस हो सकती हैं, हीट एब्जॉर्ब, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, और दूसरी कंडीशन है हीट रिलीज। उसे आप बोलोगे एक्सोथर्मिक। तो स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक चेंजेस को गेस करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को हम वन बाय वन इसके लिए कोई 8 to 9 पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। आप कोई भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड देखेंगे तो आपको उन्हीं में से इंशाल्लाह आंसर मिल जाएगा। सो स्टार्ट विद एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक में सबसे पहली बात ये करते हैं हीट इवॉल्व। पॉइंट नंबर टू इज डेल्टा एच इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन। स्टूडेंट्स इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स। बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स आर स्ट्रॉन्ग क्योंकि उनकी एनर्जी कम है। बॉन्ड इन रिएक्टेंट आर वीक। टेम्परेचर चेंज क्या है? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज। टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज। स्टूडेंट्स इसमें और भी बातें डिस्कस करते हैं लाइक इंथाल्पी चेंज इज इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज अ नेगेटिव वैल्यू एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। इंथाल्पी चेंज इज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और अगर आप इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करें तो इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स अगेन इट इज रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव सिंबल एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये जो ब्रैकेट में लिख रहे हैं स्टूडेंट्स ये कॉन्स्टेंट वॉल्यूम है। स्टूडेंट्स ये दो बातें यहां पर टेम्परेचर
ऑफ सिस्टम इन डिक्रीज एंड टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज। अब इन दोनों को जरा समझ लें कि इनिशियली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बढ़ता है बट फाइनली एंड अल्टीमेटली टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डिक्रीज करता है। तो मैं फाइनल कंडीशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ओवरऑल चेंज आपने देखनी होती है तो आप आफ्टर द रिएक्शन बात करेंगे ना, इनिशियली तो बात नहीं कर रहे। और अगर किसी क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशंस हो तो फिर अकॉर्डिंगली आप उसके क्वेश्चन को देख लें। और टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इंक्रीज, स्टूडेंट्स लाइक आप यूं देखें कि आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड लाइम, जिसको हम आम जुबान में चूना कहते हैं, उसमें आप वाटर ऐड कर दें तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और एट स्टार्ट उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है उस सॉल्यूशन का, बट फाइनली वो हीट लूज करके इन्वायरमेंट में भेज देता है तो अल्टीमेटली तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ता है ना, सिस्टम तो अपनी ओरिजिनल हालत पे वापस आ जाता है। तो आई होप सो कि आप ये दो पॉइंट समझ चुके होंगे। अब हम एक्सोथर्मिक के ग्राफ को डिस्कस करते हैं कि हाउ वी कैन डिस्कस एक्सोथर्मिक ग्राफ और उसके रिलेटेड कुछ चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इस तरफ रिएक्शन है, आगे जाएं तो रिएक्शन प्रोसीड करता है, इस तरफ y एक्सिस पर पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी सिंपल इज दैट के एनर्जी लेवल है। स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल ज्यादा होगा और प्रोडक्ट्स का एनर्जी लेवल कम होगा, जो कि हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं। अब मैं प्रोडक्ट के लेवल को ऐसे ऑरेंज से हाईलाइट करता हूं, रिएक्टेंट का लेवल ऑलरेडी डिसाइडेड है, ये है। स्टूडेंट्स ये जो हमने एक अपर एरिया शो किया है, ये ट्रांजिशन स्टेट है TS, और इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये हम काइनेटिक्स में जाकर पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप देखें यहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, तो उनमें जो चेंज आएगी वो नेगेटिव डेल्टा एच चेंज है, यानी हीट इज रिलीज्ड आउट। रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, जब वो प्रोडक्ट पे आता है तो उसका एनर्जी लेवल कम होगा तो अजाफी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। स्टूडेंट्स इसमें रिएक्टेंट से लेकर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक जो चेंज होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी F है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और स्टूडेंट्स प्रोडक्ट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स हमने यहां से फिर एक और बात भी सीख ली कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड कम है और एक्टिवेशन एनर्जी रिवर्स ज्यादा है। तो फिर इस पॉइंट को भी हम यहां पर ऐड करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेसर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए हैं हमने फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एग्जैक्टली इसके अपोजिट चीजें डिस्कस करते हैं इन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक में स्टूडेंट्स एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, हीट एब्जॉर्ब,
हीट एब्जॉर्ब, ये अपोजिट टू द एक्सोथर्मिक है, यहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। नंबर टू, इंथाल्पी चेंज इज रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव साइन, एनर्जी एब्जॉर्ब या हीट एब्जॉर्ब को पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इंथाल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स कम होगी और इंथाल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज रिएक्टेंट बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग। स्टूडेंट्स, चूंकि रिएक्टेंट की एनर्जी कम है वो ज्यादा स्टेबल है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। प्रोडक्ट बॉन्ड्स वीक, यानी प्रोडक्ट लेस स्टेबल होगा। नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इंक्रीज, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज इंथाल्पी चेंज इज डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये पॉजिटिव साइन होगा व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, बिकॉज इंथाल्पी चेंज इज ऑन कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा ई इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा ई ऑफ प्रोडक्ट, डेल्टा ई ऑफ प्रोडक्ट एंड यहां पर डेल्टा ना लिखा जाए तब भी ठीक है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इट इज अगेन रिप्रेजेंटेड विद द पॉजिटिव साइन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और स्टूडेंट्स, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। स्टूडेंट्स, हम इसके लिए भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं ताकि हम इसको भी अंडरस्टैंड कर सकें। स्टूडेंट्स, अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड में एक्सो हो तो रिवर्स में वो रिएक्शन एंडो होता है। अब ये समझ लें कि जो पहले हमने ड्रा किया था अब हम उसी का अपोजिट ड्रा कर रहे हैं। रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट लेवल एंड प्रोडक्ट लेवल। स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट लेवल है इसको भी हम यहां पे शो कर देते हैं कि प्रोडक्ट का ये एनर्जी लेवल है, ये रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, तो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स आर लोअर इन एनर्जी देन प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट्स, आप ये भी ऑब्जर्व करें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में एनर्जी गैप, इट इज डेल्टा एच पॉजिटिव। अगर हम उसी रिएक्शन का रिवर्स बता रहे हैं तो जितनी डेल्टा एच नेगेटिव आई थी एग्जैक्टली उतनी ही डेल्टा एच पॉजिटिव भी आनी चाहिए, क्योंकि एक रिएक्शन में जितनी एनर्जी रिलीज होती है स्टूडेंट्स उतनी ही एब्जॉर्ब होती है। अब स्टूडेंट्स ये देखें, प्रोडक्ट्स और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यानी ट्रांजिशन स्टेट, उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स, और रिएक्टेंट से लेकर जो डिफरेंस है विद एक्टिवेशन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और ट्रांजिशन स्टेट, इट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड। तो सिंपली नजर आ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड इज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिवर्स रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स,
ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स इनके रिलेटेड डिस्कस किए। अब इससे थोड़ा आगे चलते हैं। कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं वो हमेशा एक्सोथर्मिक होते हैं, कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं जो हमेशा एंडोथर्मिक हैं, और कुछ प्रोसेसेस ऐसे हैं दे आर समटाइम एक्सोथर्मिक एंड समटाइम एंडोथर्मिक, इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। तो स्टूडेंट्स, हम इन चीजों को डिस्कस करते हैं ऑलवेज एक्सोथर्मिक। नेगेटिव डेल्टा एच, कौन से प्रोसेसेस हैं जो हमेशा हमेशा एक्सोथर्मिक ही होंगे? स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन ये एसिड बेस का रिएक्शन है साल्ट वाटर बनाने का, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंबस्शन, बर्निंग इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। फ्रीजिंग प्रोसेस, फ्रीजिंग, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करना। स्टूडेंट्स, वेपर की एनर्जी ज्यादा होती है, लिक्विड की एनर्जी कम होती है, तो ज्यादा से कम एनर्जी की तरफ आना ये एक्सोथर्मिक ही तो होता है। डेपोजिशन, व्हाट इज डेपोजिशन? इट इज इनवर्स ऑफ सब्लिमेशन। वेपर सॉलिड को वेपर में कन्वर्ट करना डायरेक्टली, ये सब्लिमेशन है, और सब्लिमेशन का ऑपोजिट यानी वेपर्स को डायरेक्टली सॉलिड में वापस लाना, इट इज कॉल्ड एज डेपोजिशन। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। एंड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन दीज प्रोसेसेस आर ऑलवेज टेकन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, हीट इज रिलीज आउट। और स्टूडेंट्स, ऊपर जो बहुत सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं ये सारे इन्हीं के रिलेटेड हैं। और ये बात इस याद रखें कि इसके रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कौन सा प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, कौन सा एंडोथर्मिक है, कौन सा एक्सो और एंडो दोनों हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैं आइडिया दे रहा हूं, एमसीक्यू नहीं लिख रहा, क्योंकि वो बड़े ही सिंपल एमसीक्यू होते हैं, लेकिन आपको इसका आइडिया क्लियर होना चाहिए। अब कुछ ऐसे प्रोसेसेस हैं दे आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक पे एक और चीज मैं लिख दूं, बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन, जब बॉन्ड बनता है दैट इज एक्सोथर्मिक चेंज। नेक्स्ट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक। पॉजिटिव डेल्टा एच, एंड द प्रोसेसेस आर सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, इवेपोरेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन फ्रॉम वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये भी एंडोथर्मिक। फ्यूजन, स्टूडेंट्स फ्यूजन इज लाइक मेल्टिंग, एंड मेल्टिंग। बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग इज एंडोथर्मिक, ऑलवेज एंडोथर्मिक। और स्टूडेंट्स, अब कुछ चीजें ऐसी डिस्कस करते हैं, कुछ ऐसी इंथाल्पी चेंजेस को डिस्कस करते हैं, दे आर समटाइम एक्सोथर्मिक
and sometimes they are endothermic. Maybe endo or exothermic. Delta H may be positive, delta H value may be negative. First one is enthalpy change of formation. Enthalpy of formation is may be endothermic and it may be exothermic. Students, then evaporation, then enthalpy of solution. Enthalpy of solution. कुछ चीजें dissolve होने पर heat release करके exothermic बना देती हैं और कुछ चीजें energy absorb करके endothermic बनाती हैं. तो enthalpy of solution may be positive and it may be negative. Students, lattice energy. It may be positive, it may be negative. जब gaseous ion को solid क्रिस्टल में कन्वर्ट करें तो ये नेगेटिव होगी, और जब मैं लिख देता हूं यहां पे गैसियस आयंस इनटू सॉलिड क्रिस्टल्स NaCl सॉलिड, इस वक्त ये नेगेटिव होगी, और अगर सॉलिड क्रिस्टल को गैसियस आयंस में लाया जाए तो इस वक्त लैटिस एनर्जी एंडोथर्मिक चेंज होगी. Students, next is electron affinity. Students, electron affinity, first value negative होती है और second, third and so on ये values positive होती हैं. तो students, ये कुछ चीजें हमने point out की हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन ये तीन चार चीजें हमने बताई हैं. दे मे बी अ पॉजिटिव चेंज एंड दे मे बी अ नेगेटिव चेंज. आप इसमें इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन का भी जिक्र कर सकते हैं. इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन, कुछ चीजें एक्सोथर्मिक रिएक्शन देती हैं, कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन देती हैं. तो इंथाल्पी ऑफ रिएक्शन मे बी पॉजिटिव, इट मे बी अ नेगेटिव चेंज. तो स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने बड़े सिंपलेस्ट अंदाज से आपको मैंने बेसिक आइडियाज दे दिए. अब हम इससे आगे चलते हैं स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस पर. स्पॉन्टेनियस और दूसरी बात है नॉन स्पॉन्टेनियस. स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस क्या है? रिएक्शन, ये मैं आर एक्स एन लिख रहा हूं शॉर्टकट फॉर्म में, प्रोसीड विदाउट एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कंटिन्यूस एनर्जी सोर्स की जरूरत नहीं होती. और इसकी एक दूसरी चीज भी डिस्कस की जा सकती है, दैट इज जस्ट इनिशियल स्पार्क नीडेड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, देन प्रोसीड On its own. ऐसे रिएक्शन जिनको सिर्फ एक इनिशियल स्पार्क की जरूरत हो और बाद में वो खुद ही कंटिन्यूस हो जाए, दे आर इंक्लूडेड इन टू द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. और ऐसे रिएक्शन जो विदाउट एनी एक्सटर्नल एनर्जी कंटिन्यूस सोर्स प्रोसीड करते रहे, उनको इनिशियल स्पार्क की भी जरूरत ना हो, वो भी स्पॉन्टेनियस में कंसिडर किए जाते हैं.
और स्टूडेंट्स नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं, नीड एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स कंटिन्यूअसली टू प्रोसीड। इसकी एक सिंपलेस्ट एग्जाम्पल आपको बताता हूं, लाइक एक फैन चल रहा है, अगर उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यूअसली उसको मिल रही है तो वो चलता रहेगा, अदरवाइज वो स्टॉप हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये केमिकल रिएक्शन की एग्जाम्पल तो नहीं थी, लेकिन ये आइडिया क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल सिंपल थी, और इसके लिए हम एक और एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी हाइड्रोजिनेशन करनी है एट 200 टू 300 टेम्परेचर, और निकल। स्टूडेंट्स अगर इसमें टेम्परेचर नहीं मिल रहा तो ये रिएक्शन रुक जाएगा, अगर इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो ये रिएक्शन रुक जाएगा। इट मींस इसको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत है टू प्रोसीड, अदरवाइज ये प्रोसीड नहीं करेगा। स्टूडेंट्स इसमें एक मिसकंसेप्शन है, कुछ स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को रिलेट करते हैं टू अंडरस्टैंड स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। स्टूडेंट्स एंडो और एक्सो से स्पॉन्टेनियस का और नॉन स्पॉन्टेनियस का कोई ताल्लुक नहीं है। जनरली जो स्पॉन्टेनियस होते हैं वो मोस्टली एक्सोथर्मिक होते हैं, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि हर कोई एक्सोथर्मिक जरूर स्पॉन्टेनियस होगा। स्टूडेंट्स इसके लिए हम एक MCQ लिखते हैं, सेलेक्ट द ऑप्शन, सिलेक्ट ऑप्शन which is endothermic and spontaneous, endothermic and spontaneous। स्टूडेंट्स ये मैं बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से लिख रहा हूं MCQ, क्योंकि जनरली ये समझा जाता है कि एंडोथर्मिक जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, तो मैं MCQ ही ऐसा लिख रहा हूं जिसमें आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंडोथर्मिक भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। वाटर लिक्विड कन्वर्टेड इनटू वाटर गैस, बीटा ऑप्शन इज नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस 2NO गैस। स्टूडेंट्स इनके साथ इनकी फिजिकल स्टेट्स मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि थर्मो में ये चीजें और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, बिकॉज एवरी डिफरेंट फिजिकल स्टेट वुड हैव डिफरेंट एनर्जी कंटेंट, और फिर हम उनकी चेंज को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए उनकी फिजिकल कंडीशन साथ मैंशन करना बहुत जरूरी है। NH4Cl सॉलिड, इसको जब वाटर में ऐड करें तो ये बन जाता है NH4Cl एक्वस, AQ यानी वाटर में डिसॉल्व हो गया। ऑप्शन डेल्टा NaCl सॉलिड एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू NaCl एक्वस, और ईटा ऑप्शन, मैं ऑप्शन ईटा नहीं लिख रहा, वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं, मैं ऑप्शन ईटा जानबूझ के खाली छोड़ रहा हूं, फिर एंड पे जाके आपको मैं बताऊंगा कि ऑप्शन ईटा में कौन कौन सी चीजें आपने सेलेक्ट करनी है। स्टूडेंट्स आप ये देखें कि ये वाली जो चेंज है, लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये इवेपोरेशन है तो ये तो एंडोथर्मिक चेंज है, पॉजिटिव डेल्टा एच, और ये स्पॉन्टेनियस भी है क्योंकि वाटर को अगर ओपन एटमॉस्फेयर में रख दिया जाए तो वो खुद ही वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, उसको हम कोई एनर्जी तो नहीं सप्लाई करते। स्टूडेंट्स दूसरी ऑप्शन पे आप आए, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्मेशन है NO,
स्टूडेंट्स ये एंडोथर्मिक चेंज है और ये नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि ये रिएक्शन एनवायरनमेंट में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में तब होता है जब बिजली चमकती है, लाइटनिंग की मौजूदगी में, थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है तब ये रिएक्शन होता है। यानी अगर उसको वो कंटिन्यूस एनर्जी, वो हाई वोल्टेज इन दैट लाइटनिंग मिलता रहेगा तो ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता तो फिर एनवायरनमेंट में, एयर में, ना तो नाइट्रोजन बचती ना ही ऑक्सीजन बचती, क्योंकि खुद ही रिएक्शन कर लेते वो सारा। तो ये एंडोथर्मिक और नॉन स्पॉन्टेनियस है। देन अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इनटू एक्वस, जब इसको आप वाटर में डालते हैं स्टूडेंट्स, ये एंडोथर्मिक चेंज है और ये स्पॉन्टेनियस है, ये स्पॉन्टेनियस चेंज है। यानी वाटर में डाल दें तो खुद ही डिजॉल्व हो जाता है, आप मिक्सिंग करें या ना करें, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। एंड सेम इज द केस फॉर ऑप्शन डेल्टा, पॉजिटिव डेल्टा एच। इसकी भी स्टूडेंट्स, इसकी जो इंथालपी चेंज है वो वेरी वेरी स्मॉल है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.016 किलो जूल पर मोल, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, 2.16 किलो जूल पर मोल, तो इतनी छोटी है कि इसको अप्रोक्सीमेटली हम इंथालपी चेंज जीरो भी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत कम भी है, लेकिन है एंडोथर्मिक और ये स्पॉन्टेनियस भी है, क्योंकि NaCl भी वाटर में खुद ही डिजॉल्व हो जाता है। तो स्टूडेंट्स फिर कितनी ऑप्शन बनी, ऑप्शन अल्फा, ऑप्शन चार्ली प्लस ऑप्शन डेल्टा, ये सारी ऑप्शन एंडोथर्मिक भी हैं और स्पॉन्टेनियस भी हैं। ऑप्शन बीटा ये एंडोथर्मिक है पर स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो आई होप सो कि आपने ये आइडिया समझ लिया होगा कि स्पॉन्टेनियस होने का ताल्लुक एक्सो और एंडो से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब बर्निंग ऑफ वुड एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है, बर्निंग ऑफ कोल एक्सोथर्मिक है, स्पॉन्टेनियस है। हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे रिएक्शन जो हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं, मोस्टली स्पॉन्टेनियस हैं, ठीक है, तो वो एक्सोथर्मिक भी हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं समझा जाएगा कि जो एक्सोथर्मिक है दैट इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, दैट मे बी सम टाइम नॉन स्पॉन्टेनियस। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी थी ऊपर, ये जो हाइड्रोजिनेशन है स्टूडेंट्स, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, लेकिन अगर इसको प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिल रही, एनर्जी लेवल पूरा नहीं मिल रहा, तो फिर ये एक्सोथर्मिक तो होगा रिएक्शन हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन वाला, लेकिन वो है नॉन स्पॉन्टेनियस। स्टूडेंट्स अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का किसके साथ ताल्लुक है, ये एक पॉइंट समझ लें। इसको हमारी बुक ने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, ये हमारे सिलेबस में बहुत ज्यादा डिस्कशन के लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ दो पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूं। इसका ताल्लुक है गिब्स फ्री एनर्जी से, गिब्स फ्री एनर्जी एंड इट इज डेल्टा जी। स्टूडेंट्स इफ डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव, डेल्टा जी वैल्यू इज नेगेटिव, इसका यह भी मतलब है कि डेल्टा जी वैल्यू इज लेस देन जीरो, तो तब होगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस और अगर डेल्टा जी वैल्यू पॉजिटिव हो, इसका एक मतलब यह भी है कि डेल्टा जी वैल्यू इज ग्रेटर देन जीरो, तो तब यह रिएक्शन होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो यह कैसे पता चलेगा कि डेल्टा जी पॉजिटिव कब है, नेगेटिव कब है? स्टूडेंट्स ये गिब्स फ्री एनर्जी हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये सिर्फ इसका जिक्र आया है स्पॉन्टेनियस का और फ्री एनर्जी का और नॉन स्पॉन्टेनियस का, तो हमने एक हिंट लिख लिया है, इस पे हमने कोई फर्दर डिस्कशन नहीं करनी। इसके बाद हम कुछ टर्म्स सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री और हीट की बात करना चाहते हैं। तो सिस्टम क्या है, सिस्टम पार्ट ऑफ यूनिवर्स
अंडर स्टडी, यूनिवर्स अंडर स्टडी, जिस चीज को हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम. सराउंडिंग, सराउंडिंग ऑल यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम इट इज सराउंडिंग. बाउंड्री क्या है? बाउंड्री रियल और इमेजिनरी वॉल, इमेजिनरी वॉल दैट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम एंड सराउंडिंग. जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करे दैट इज बाउंड्री. और स्टूडेंट्स, व्हाट इज हीट? एनर्जी दैट क्रॉस बाउंड्री, एनर्जी दैट क्रॉस बाउंड्री, जो बाउंड्री क्रॉस करे, यानी वो सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ चली जाए या सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ आ जाए, तो हीट रिलीज्ड या हीट एब्जॉर्ब होगी. तो स्टूडेंट्स, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों तरफ किसी भी तरफ बाउंड्री क्रॉस होगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट क्रॉस द बाउंड्री इज कॉल्ड एज हीट. अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. यहां पर एक बीकर है, उस बीकर में हमने एसिड बेस डाल के रिएक्शन किया है और इसके बाहर एयर है एटसेट्रा. स्टूडेंट्स, इसमें सिस्टम क्या है? ये जिस चीज का रिएक्शन है ना, ये है सिस्टम. इसमें सराउंडिंग क्या है? ये वॉल्स, ये सराउंडिंग है. इवन दैट एयर इज सराउंडिंग एज वेल. तो फिर बाउंड्री क्या है स्टूडेंट? ये इमेजिनरी वॉल है. ये आप एक कॉन्सेप्ट में आपको दे रहा हूं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि कोई भी दो चीजें यूनिवर्स में टच नहीं कर सकती, कोई भी दो चीजें यूनिवर्स में टच नहीं कर सकती. हम जब चीजों को अपने इर्द गिर्द देखते हैं, लाइक आप कहें कि आप अपने हाथ को टच करें तो ये तो टच हो जाता है, आपको फील होता है. स्टूडेंट्स, कुलियन का मतलब समझे, दिस इज कुलियन. लाइक आप बाल पेन या मार्कर किसी चीज पे नॉक करते हैं तो आपको फील होता है कि वो टच हो रही है, हकीकत में माइक्रोस्कोपिकली वो टच नहीं हो रही. यहां से आपको बाउंड्री का आइडिया मिलेगा. स्टूडेंट्स, कुलियन क्या है? अ प्रोसेस इन विच डायरेक्शंस एंड एनर्जीज आर चेंज्ड. दो मैग्नेट हैं, उनके अपोजिट एंड एक दूसरे की तरफ लाएं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर एंड एक दूसरे की तरफ लाएं तो वो रिपेल करते हैं. तो स्टूडेंट्स, वो देखें, एक दूसरे पर फोर्स लगा के एक दूसरे की डायरेक्शन और एनर्जी को चेंज कर सकते हैं, लेकिन वो टच नहीं किए, दैट इज कुलियन. और हम जो बात करते हैं कि हम मार्कर से किसी चीज पे नॉक करें और वहां पे कोई डिप्रेशन पैदा हो जाए, तो वो ट्रांसफरेंस ऑफ एनर्जी का एक तरीका है, उसमें डायरेक्शन और एनर्जी चेंज हो सकती है, दैट इज कुलियन. और टच का आइडिया आप समझें स्टूडेंट्स, हमने रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि गोल्ड फॉयल लें और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को थ्रो करें. स्टूडेंट्स, आप डायग्राम में देखें, और हमने उसमें पढ़ा कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी बिकॉज
मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड थ्रू। अगर हम देखें तो हमें तो नजर ही नहीं आ रहा उसमें कोई एम्प्टी एरिया उस गोल्ड फॉयल में, लेकिन अल्फा पार्टिकल उसमें से गुजर गए। और उसको हमने एक्सप्लेन कैसे किया कि मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। स्टूडेंट्स, एटम बहुत ज्यादा करीब हैं, हम उनके डिस्टेंस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, लेकिन उनमें अल्फा पार्टिकल गुजरे हैं तो फिर उनमें एम्प्टी एरिया तो मौजूद है, तो टच तो वो एटम भी नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, जब बॉन्ड बनता है तो एटम मैक्सिमम क्लोज आते हैं, बट एटम्स की कोई बाउंड्री नहीं है, इसलिए एटम्स टच नहीं कर सकते। सो स्टूडेंट्स, बाउंड्री इज मोस्टली इमेजिनरी। ये बुक्स में रियल और इमेजिनरी वॉल लिखा होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम द बाउंड्री इज इमेजिनरी वॉल। स्टूडेंट्स, इस लिक्विड और इस ग्रीन वॉल के दरमियान कुछ एम्प्टी एरियाज मौजूद होंगे, वही बाउंड्री है, उसको जो एनर्जी क्रॉस करेगी दैट इज कॉल्ड एज हीट। और आप सोचेंगे कि ये बाउंड्री जो है वो एम्प्टी स्पेस है तो फिर वो गीला क्यों हो जाता है। स्टूडेंट्स, जरूरी नहीं है कि हर लिक्विड वेटिंग लिक्विड हो। आप मर्करी लिक्विड फिल कर लें तो वो तो कंटेनर को गीला नहीं करता। आप मर्करी लिक्विड में अपना हाथ डिप करें तो वो तो आपके हाथ को गीला नहीं करता। तो वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड ये एक अलग टॉपिक है, इसमें कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस का डिफरेंट ताल्लुक है, लेकिन ये बात याद रख लें कि बाउंड्री इज इमेजिनरी सरफेस, वो रियल जनरली नहीं होती। आई होप सो कि आपने ये कॉन्सेप्ट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपने गेट किया होगा। इसके बाद आप बात करेंगे स्टेट फंक्शन पर, स्टेट फंक्शन। ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी दैट हैव सम इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज, दैट इज कॉल्ड अ स्टेट फंक्शन। और स्टूडेंट्स, इन स्टेट फंक्शंस को चेंज करने से स्टेट ऑफ अ सिस्टम भी चेंज हो जाती है। लाइक टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, तो टेम्परेचर आइस हो, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो लिक्विड, और टेम्परेचर बढ़ाएं तो वो गैस, और उसे कूल करें तो वो लिक्विड, और लिक्विड को फर्दर कूल करें तो वो सॉलिड। यानी स्टेट फंक्शंस जो हैं, इनको चेंज करके स्टेट ऑफ सिस्टम को भी चेंज किया जा सकता है। ये एक सिंपल आइडिया है। और इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन लिखता हूं, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है। स्टूडेंट्स, मैं ये नॉर्मल एमसीक्यू की बजाय बहुत ज्यादा इसमें लिख दूंगा मैं ऑप्शंस। एक तो है प्रेशर, ऑप्शन बीटा, इट इज इंथाल्पी, इट इज एच। आप डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा एच, चार्ली, डेल्टा एस। स्टूडेंट्स, ये इंट्रोपी है, एस इज इंट्रोपी, मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। क्यू, ये हीट है। ईटा ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर। एफ ऑप्शन क्या है, वॉल्यूम। और वर्क एंड, स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये था कि विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। तो हमने इसमें काफी सारी चीजें लिखी, इंटरनल एनर्जी भी लिखते हैं, आठ ऑप्शंस हमने बना दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आंसर के लिए अलग लिख देता हूं, इट्स आंसर इज हीट एंड वर्क, यानी इसका ऑप्शन डेल्टा एंड जी, ये दोनों इसके ऑप्शन हैं, बोथ।
ये स्टेट फंक्शन नहीं है स्टूडेंट्स, बाकी सारी चीजें स्टेट फंक्शन है। अब इनर्जी पे आते हैं स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री में जब इनर्जी को डिस्कस करेंगे तो दो मेन चीजें हम डिस्कस कर रहे होते हैं, मेनली काइनेटिक और पोटेंशियल। और काइनेटिक एनर्जी में क्या शामिल है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या शामिल है, ये चीजें ऑब्जर्व करें। एनर्जी की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन हम उनमें दो चीजों को सिंपलेस्ट आइडिया में लेकर आ रहे हैं। फर्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एंड पोटेंशियल। और स्टूडेंट्स, जब हम काइनेटिक की बात करते हैं तो हमारा मतलब ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल और रोटेशनल एनर्जीज ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होगा। और स्टूडेंट्स, जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो हमारा मतलब होगा अट्रैक्शन, या रिपल्शन, या बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड भी अट्रैक्शन है ना स्टूडेंट्स, तो ये भी। और वेंडर वाल, वेंडर वाल अट्रैक्शंस और वेंडर वाल रिपल्शंस। स्टूडेंट्स, ये चीजें पोटेंशियल एनर्जी में शामिल होंगी, पोटेंशियल एनर्जी में ये चीजें शामिल होंगी। तो इसके बाद हम वर्क की थोड़ी सी बात करें कि वर्क डन बाय द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम, उससे इंटरनल एनर्जी और वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी। स्टूडेंट्स, ये कुछ हिंट्स आपके लिए मैं बताता हूं। वर्क इन केमिस्ट्री, इट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। स्टूडेंट्स, प्रेशर जो है ये फोर्स के रिलेटेड है, और जो वॉल्यूम है, एक्चुअली वॉल्यूम चेंज जो है ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जब वॉल्यूम चेंज होगा तो डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट भी होगी। लाइक हमारे पास एक कंटेनर है, हम इस पे प्रेशर लगाते हैं तो वो फोर्स है, और स्टूडेंट्स वो कंप्रेस होकर यहां तक आ जाता है। अब यहां तक जब वो आ गया तो अब इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट भी तो हुई है ना यहां से लेकर इधर तक। स्टूडेंट्स, अब आपको आइडिया मिल गया कि केमिस्ट्री में जो आपने वर्क डिस्कस करना है दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अब वर्क डन बाय द सिस्टम। स्टूडेंट्स, इसको दूसरी तरह डिस्कस किया जाता है कि वर्क डन ऑन द सराउंडिंग स्टूडेंट्स, वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो वॉल्यूम कम होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम जब होगा तो वॉल्यूम कम होगा और वॉल्यूम ज्यादा होगा और इंटरनल एनर्जी स्टूडेंट्स ये कम होगी। एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव वर्क, नेगेटिव W, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में हम इसको नेगेटिव लेते हैं और फिजिक्स में आपने इसको पॉजिटिव पढ़ा होगा।
ये ऐसा क्यों है, फिजिक्स में आप वॉल्यूम चेंज के हवाले से सारा कुछ कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इंटरनल एनर्जी चेंज के हवाले से सारी कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं, हम कंडीशंस पुट करते हैं कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं होता, तो उस वक्त हम वर्क को नेगेटिव लेते हैं, वर्क डन बाय द सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव इन केमिस्ट्री, और फिजिक्स में इसका अपोजिट है, तो अभी तो हम सिर्फ केमिस्ट्री की ही बात करेंगे। उसके बाद है वर्क डन ऑन द सिस्टम, या उसको ये भी कहते हैं वर्क डन बाय द सराउंडिंग। सिस्टम पे होगा तो डेफिनेटली सराउंडिंग ने किया होगा। स्टूडेंट्स इस वक्त वॉल्यूम कम होगा, सराउंडिंग प्रेशर लगाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा और इसकी इंटरनल एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। स्टूडेंट्स इस वक्त हम वर्क के साइन को पॉजिटिव लेते हैं और वर्क इज पॉजिटिव व्हेन वर्क डन ऑन द सिस्टम। स्टूडेंट्स ये वर्क के रिलेटेड दो चीजें हमने डिस्कस कर दी।